दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द येलो वॉलपेपर। ये वर्ल्ड की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों। इसको लिखा था एक अमेरिकन राइटर शैलोट गिलमन ने। और दोस्तों ये वर्क जो है ये वर्क फेमिनिज्म में एक बहुत बड़ा वर्क है और दोस्तों गॉथिक वर्क है ये। मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्क है ये 1892 में एक मैगजीन थी न्यू इंग्लैंड मैगजीन उसमें पब्लिश हुआ था। तो शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो द येलो वॉलपेपर। वॉलपेपर वो होता है जो वॉल पर लगाया जाता है दीवारों पर, येलो कलर का यहाँ पर बात की गई है। ये स्टोरी दोस्तों एक डायरी में लिखी गई है। डायरी में जो एंट्री करते हैं तो इस डायरी के अंदर एंट्री की गई है, एक डायरी के अंदर इस कहानी की नरेटर ने सब कुछ एंट्री की है जो जो उसके साथ में हुआ। तो नरेटर अपनी कहानी की शुरुआत करती है एक बड़े से अच्छे खासे सजे हुए घर से जो उसने और उसके हस्बैंड ने कंट्री साइड वाले इलाके में गर्मियों में किराए पर लिया था। इसके हस्बैंड का नाम है जॉन। जॉन दोस्तों बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है, एक फिजिशियन है और अपनी वाइफ को मतलब एक तरह से क्लीन एयर देने के लिए वो इस कंट्री साइड वाले इलाके में लाया है। ये लोग कंट्री साइड वाले इलाके में रहने लगे क्योंकि उससे लगता है कि इसकी वाइफ को टेम्प्रेरी नर्वस डिप्रेशन है, यानी कि दिमागी रूप से कुछ थोड़ा सा पागलपन है डिप्रेशन की वजह से। और ये क्यों हुआ है क्योंकि इसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है जिसकी वजह से इसको टेम्प्रेरी नर्वस डिप्रेशन हो गया है, ऐसा मानता है इसका हस्बैंड। तो नरेटर बोलती है कि उसका हस्बैंड उसकी कंडीशन उसकी परेशानियों को समझता नहीं है। ये एंट्री कर रही है वो अपनी डायरी में सब कुछ और किसी बच्चे की तरह उसे ट्रीट करता है, मतलब उसे खुद की कोई आज़ादी नहीं देता। उसे लगता है कि घर में कुछ, यहाँ पर नरेटर को लगता है, उस वुमेन को लगता है जो इस डायरी में लिख रही है कि इस घर में कुछ मिस्टीरियस है, कुछ स्ट्रेंज सा है ये घर, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, वो अपने हस्बैंड को बोलती है। लेकिन जॉन बोलता है कि पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने यहाँ पर सलाह दी है कि अगर इसे ठीक होना है तो ज़्यादा काम नहीं करना, दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं देना और बस चुपचाप बैठे रहना है घर में, मतलब कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, दिमाग चलाने वाला कोई भी काम नहीं करना। स्पेशली इसको लिखने का शौक़ है तो डायरी ये लिखती रहती है, वो भी अपने हस्बैंड से छुपा कर, ठीक है। अब ये इस घर के ऊपर वाले रूम में गए, मतलब कि इसके घर के ऊपर एक रूम है जहाँ पर जाने के बाद इनको पता चला कि शायद पहले इस घर में एक नर्सरी थी जहाँ विंडोज़ तो बंद थी और दीवारों पर कुछ छिले हुए येलो कलर के वॉलपेपर्स। ये येलो वॉलपेपर्स का दोस्तों इस कहानी में बहुत बड़ा रोल है। ये वॉलपेपर्स कुछ हद तक छिले हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बच्चों ने इसको नाखूनों से नोच कर छीला होगा। तो नरेटर इस कहानी में आगे चलकर इन येलो वॉलपेपर्स को देखकर और ज़्यादा पागल होने लगती है। बड़े अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे इन येलो वॉलपेपर्स में, वो समझ से बाहर थे। वो अपने डायरी में छुपकर एंट्री कर रही है सब चीज़ों की। उसे देखकर लगता था, उन वॉलपेपर्स को देखकर लगता था कि इन वॉलपेपर्स में कोई फोर्स है, पूरे घर पे असर डाल रही है वो फोर्स। उसे बस कोई काम नहीं करना था, बस रूम में बैठे रहना था। उसे अपने रूम से ज़्यादा कुछ ज़्यादा सीन नहीं दिखते थे, बस सामने गार्डन दिखता था, गार्डन वगैरह और दूसरी चीज़ें देख सकती थी वो। नरेटर यहाँ पर अपने हस्बैंड जॉन और उसकी सिस्टर, जॉन की सिस्टर जेनी से बचती थी, मतलब उनके अटेंशन से बचती थी और कोशिश करती थी कि वो इन वॉलपेपर्स को स्टडी करे। वो देख सकती थी कि इन वॉलपेपर्स के पैटर्न्स के पीछे कुछ मिस्टीरियस फिगर छुपा हुआ है। उसने कई बार अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की कि चलो इस घर को छोड़कर चलते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड बार बार बोलता था कि अब तुम्हारी हालत में कुछ सुधार आने लगा है और तुम जाने की बातें कर रही हो। लेकिन इस चीज़ से नरेटर की हालत बद से बदतर होती गई, उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहे थे, उसका डिप्रेशन बढ़ता गया। उसकी यही बिगड़ती हुई हालत उसके सर पे चढ़ गई, मतलब कि अब उसकी ये बिगड़ती हुई हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो अपनी इस डायरी में लिखती है कि इस वॉलपेपर के पीछे कोई वुमेन है, इस वॉलपेपर के पैटर्न्स के पीछे वो वुमेन कैद है। वो पागल होती गई, उसने सोच लिया था कि वो इस वुमेन को फ्री करवाएगी, इस घर को छोड़ने से पहले वो इस वुमेन को फ्री करवाएगी और ये बात वो अपने हस्बैंड से नहीं बोलेगी, मतलब छुपा के रखेगी उससे ये बात। अब रात के टाइम उसने क्या किया, अकेले में कमरा बंद करके वॉलपेपर्स को नोचने लगी, नोच नोच के फाड़ने लगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया था इन लोगों को इस घर में रहते हुए और इसका टाइम पूरा होने वाला था। ये इस घर से जाने से पहले उस वुमेन को फ्री कराना चाहती थी। तो उसने क्या किया, पहले तो इस कमरे का सारा फर्नीचर हटा दिया बेड को छोड़कर, क्योंकि बेड बहुत ही भारी था, और कमरा लॉक किया।
शाम का टाइम था और चाबी फेंक दी और वॉलपेपर्स को फाड़ना शुरू किया। जितना वो फाड़ सकती थी, जितनी उसकी पहुँच थी फाड़ने तक, वो फाड़ना शुरू किया उस कमरे के वॉलपेपर को। अब दोस्तों ये स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है, इसका एंड आ चुका है। तो इसने जब ये काम कर लिया वॉलपेपर फाड़ने का, तो ये लिखती है कि एक्चुअली ये वॉलपेपर के पीछे जो वुमन कैद थी वो खुद थी, मतलब वो खुद इस वॉलपेपर्स के पीछे कैद थी। वो कैसी थी आगे बताऊंगा मैं। ये वॉलपेपर को फाड़ने के बाद में गोल 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 रेंगने लगी वॉलपेपर के बीच में। तभी इसका हस्बैंड जॉन दरवाज़ा तोड़कर रूम में आता है। उसकी इस हालत को देखकर वो गिर जाता है कि किस तरह से उसकी वाइफ एक जानवर की तरह गोल गोल रेंग रही है, रुकी नहीं रही है। तो वो बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बावजूद नरेटर रेंगती रहती है वहाँ पर फ्लोर पर। इस कहानी की जो नरेटर है चार्लट पर्किंस गिलमन, उनकी खुद की लाइफ डिफ़िकल्टीज से भरी हुई थी। उनके फादर ने इनकी फैमिली को छोड़ दिया था जब ये बहुत छोटी थी, तो इनकी एक आंट थी, उन्होंने इनकी फैमिली को सपोर्ट किया। 1884 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद जब इन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया, बच्ची को जन्म दिया, उस वक्त दोस्तों इनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। तो इनको डॉक्टर्स ने बोला कि आप कोई काम मत करना, लिखना वगैरह मत। तो उस वक्त इन्होंने फेमिनिज्म मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, ये हिस्सा बन गई फेमिनिज्म मूवमेंट का। बहुत सारे फेमिनिज्म वर्क्स लिखे इन्होंने। फिर इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से मरने की बजाय सुसाइड कर मरना, आत्महत्या करके मरना सही समझा। क्लोरोफॉर्म का हाई डोज लेकर इन्होंने सुसाइड कर ली। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है, कई सारे क्रिटिक्स ने इसके अंदर जो वुमेन कैरेक्टर है उसको शैलोट ब्रॉन्टी का कैरेक्टर है जेन एयर, उससे रिलेट किया है। दोस्तों यहाँ पर इस शॉर्ट स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, जो वुमेन है जो ये सब सफ़र करती है, उसका नाम नहीं बताया गया है, बस वुमेन बताया गया है उसका नाम। इस शॉर्ट स्टोरी में फेमिनिज्म भी दिखाया गया है, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी भी दिखाई गई है। ये वॉलपेपर, अब मैं आपको बताता हूँ ये वॉलपेपर के पीछे जो कैद वुमेन थी वो नरेटर कैसे हुई। क्योंकि दोस्तों ये वॉलपेपर फैमिली की स्ट्रक्चर, उस टाइम की जो वुमेन थी उनकी फैमिलीज की स्ट्रक्चर, मेडिसिन, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस टाइम के इस सब स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जिस स्ट्रक्चर ने हर एक वुमेन को, उस टाइम की हर एक वुमेन को कैद करके रखा है। तो राइटर ने यहाँ पर अमेरिका में उस टाइम पर जो वुमेन का रोल था उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और आने वाले टाइम की राइटर जैसे एलिस वॉकर के लिए ये इंस्पिरेशन बने। अब इस शॉर्ट स्टोरी की राइटर गिलमन को जिस डॉक्टर ने ये सलाह दी थी कि आप पेन पेंसिल ब्रश को हाथ लगाने से मना किया था एक तरह से, उन्हें ये बताना चाहती थी कि आप गलत हैं ये शॉर्ट स्टोरी लिखकर। और उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखकर मेडिकल फील्ड पर खुद का क्रिटिसिज्म किया है, और जिस डॉक्टर ने उनको ये सब कहा था उस डॉक्टर को भी इन्होंने एक कॉपी भेजी इस वर्क की, लेकिन कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं उस डॉक्टर की तरफ से। और उन्होंने खुद इस वर्क के लिए कहा कि इस वर्क का मकसद किसी को पागल करना नहीं है बल्कि लोगों को पागल होने से बचाना है। और कई सारे डॉक्टर्स ने इस वर्क को पढ़ने के बाद में अपने ट्रीटमेंट के तरीके में सुधार किए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।